हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूं उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 12, ठीक है, एनसीईआरटी से, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस टाइम प्रथम प्रश्न पर चल रहा है, ठीक है, तो ये अध्याय 7 यानी पी ब्लॉक के तत्व का भाग नंबर 1 है, ठीक, जिसका टाइमिंग क्या है, शाम 8 से 9 के बीच में चलाया जाता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको एक चीज बताने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पी ब्लॉक तत्व के बारे में बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर अब पी ब्लॉक तत्व स्टार्ट कर दीजिए। तो हमने सोचा कि जो चला रहे हैं अभी तत्वों के निष्कर्षण, वो खत्म होने के बाद स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग को बता देना चाहेंगे कि जो तत्वों के निष्कर्षण था वो खत्म हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि पी ब्लॉक के तत्व है, ठीक। तो पी ब्लॉक के तत्व हम पढ़ने से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीजें बता देना चाहेंगे कि आप पी ब्लॉक के बारे में कुछ जान जाइए आज, ठीक है। उसके बारे में इस पी ब्लॉक के तत्व में हमको कौन सा तत्व पढ़ना है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम बेसिक चीजें आपको बता दें कि पी ब्लॉक के तत्व होता क्या है, ठीक। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं, ठीक, तो पीरियोडिक टेबल में क्या देखेंगे कि जो 13 से लेकर के, कहां से 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो जो 13 से लेके 18 तक के जो होते हैं तत्व, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं पी ब्लॉक के तत्व, ठीक। 18 थोड़ा ऊपर होगा, यहां नहीं रहेगा, ठीक है, यहां नहीं रहेगा, तो पहले हम देखते हैं यहां कुछ नहीं रहेगा। तो एक चीज ध्यान से देखिए, तो 18 ऊपर रहेगा, क्यों रहेगा ये आपको समझ में आ जाएगा अभी, ठीक। तो एक चीज देखिए कि जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो अब 13th ग्रुप में कौन कौन से होते हैं और 14th में क्या क्या होते हैं, 15 में कौन कौन से होते हैं, 16 में क्या होते हैं, ये सब हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो आज हम केवल बेसिक चीजों पर ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कि जो 13th ग्रुप के एलिमेंट है कौन कौन से हैं, उसको देखते हैं। तो ये होता है पहले बी, ठीक, बोरान, और ये क्या हो गया, ये हो गया एल्यूमिनियम, ठीक। आगे देखिए, ये हो गया आपका गैलियम, क्लियर है, और ये क्या हो जाएगा, एंडियम, ठीक। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थैलियम। इतना क्लियर हो गया, ये बोरान फैमिली के तत्व हैं, ठीक है। तो बोरान परिवार के तत्व कौन कौन से हैं, एल्युमिनियम, गैलियम, एंडियम, थैलियम, क्लियर इतना। तो इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बोरान फैमिली का तत्व यानी बोरान परिवार का तत्व, ठीक है। क्यों बोरान परिवार का ही कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बोरान सबसे पहले है, क्योंकि इस ग्रुप का लीडर यही है, तो इसलिए कहेंगे ये बोरान परिवार का तत्व है, बोरान फैमिली का तत्व है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं चौथे में क्या क्या होता है, ये हम आपको बता दें। चौथे में होता है सी यानी कार्बन होता है, ठीक, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है और लेड होता है, ठीक। तो इसको कहेंगे कार्बन परिवार के तत्व, क्यों, क्योंकि कार्बन नेता है इसमें, ठीक, नेता का मतलब कार्बन सबसे पहले है, लीडर है, तो ये कार्बन परिवार के तत्व कहलाएंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए एक चीज और देखिए, जो 15 है वो क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद फास्फोरस, ठीक, आर्सेनिक और एसडी माने एसबी हो गया,
ठीक, और ये हो गया बिस्मथ। तो ये हो गया नाइट्रोजन परिवार का तत्व, क्लियर है। तो ये हो गए बोरान परिवार के तत्व, ये कार्बन परिवार के तत्व, और ये नाइट्रोजन परिवार के तत्व। अब क्या होगा, 16वें में हो जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, ठीक है, और श्रीकांत, ठीक। आगे क्या है, थेलियम, और ये क्या है, ये हो जाएगा आपका पीओ, ठीक है, पीओ, ठीक। आगे देखिए जो 17 है तो वो क्या हो जाएगा, 17वें क्या हो जाएगा, क्लोरीन, ठीक, क्लोरीन, सॉरी यहां होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और क्या हो जाएगा, एंटीमनी, ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको ये जो बताया गया है ये कौन से परिवार के तत्व हैं, आप इसको क्या कहते हैं, फ्लोरीन परिवार के तत्व नहीं कहेंगे, क्यों, क्योंकि क्लोरो फ्लोरो ब्लोमो आइडो ये जितने भी होते हैं ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं, ठीक। तो ये हो गए बोरान परिवार के तत्व, कार्बन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के, ऑक्सीजन परिवार के, और ये हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइलोजन, हाइलोजन परिवार के तत्व में ये सब सारे आते हैं, ठीक। अब चीज एक और देखिए कि जो 18वें में होता है वो क्या होता है, वो होता है, देखिए यहां पे हमने काटा था तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा हीलियम, हीलियम यहां से स्टार्ट होता है, ठीक, हीलियम, नियान, ठीक, नियान, और क्या हो जाएगा, आर्गन, ठीक, इसके बाद जाएगा क्रिप्टन, ठीक, फिर हो जाएगा जिनान, फिर रेडान। तो ये हो गए आपके पी ब्लॉक के तत्व जो 13 से 18 के बीच में होते हैं, ठीक। अब इसको याद कैसे रखेंगे ये बात आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हाइलोजन परिवार का तत्व तो बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है, तो उसको याद कर सकते हैं। तो पहले हम बारी बारी से बताते हैं, तो यहां से कैसे याद करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम इसका नाम दे, बैगन, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, ठीक। तो एक ट्रिक मिल रहा है आपको याद करने का कि कैसे याद करेंगे, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बोरान परिवार के तत्वों के नाम बताइए, तो आपको अगर ये ट्रिक याद रहेगा, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, तो आप बता देंगे बी से बोरान, एस एल आलू से जो बताते हैं, एल से हो जाएगा एल्युमिनियम, जी से हो जाएगा गैलियम, इसका इनका हो जाएगा इंडियम, टी आई का हो जाएगा थैलियम, ठीक है। आगे देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि अब ये जो कार्बन परिवार का तत्व, इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए ध्यान देखिए, तो देखिए इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे, कहे सीता, ठीक है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो इसको ऐसे याद करिए, सी से कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। तो इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं, ये सब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं याद करने के, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के नाम बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, जब आपको ट्रिक याद रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे बताएंगे, इसको बताएंगे आप, जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व है इसको कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, देखिए एन से हो जाएगा क्या, नई, ठीक, एन से नई, पी से पड़ोसन, ठीक, ए से ऐश्वर्या, एस बी से सेबी, बी से ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो नई, पड़ोसन, ऐश्वर्या, सेबी, सुंदर, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, ठीक, ऐसे याद करेंगे, नई, पड़ोसन, ऐश्वर्या, सेबी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो इस प्रकार नाइट्रोजन परिवार के तत्व को याद करने का ट्रिक हो सकता है आपके लिए, अगर आप समझते हैं और लिखते हैं तो भी सही हो जाएगा, कोई याद करने की ट्रिक बता रहे हैं, अगर याद नहीं होता है तब के लिए बता रहे हैं, वैसे जो चीज सीधे से नहीं याद होता है तो उसको टेढ़े से ही याद करके याद कर लेते हैं, लेकिन याद कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये क्या है, 16वां, ठीक, 16 में क्या है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्या है, ऐसा इसे सीलियम है, और आगे है थैलियम है, और ये पीओ है, तो कैसे हम इसको बताएंगे, देखिए
इसको बताएंगे ऑक्सीजन, ठीक, ऑक्सीजन ने यस सल्फर को, ठीक है, ऑक्सीजन ने सल्फर को सी टी मारी पो, ध्यान समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ऑक्सीजन ने सल्फर को सी टी मारी पो, ठीक। तो इस प्रकार आप इसको भी याद कर सकते हैं, ये सब आपको ट्रिक है। और जो हाइड्रोजन परिवार के तत्व हैं, तीन को तो आसानी से याद कर सकते हैं कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एंटीमनी, ये तो आपको याद ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब इसको कैसे याद करेंगे 18वें को, तो यच हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टान जिनान रिडान, इसको कैसे तैयार करेंगे। इसको तैयार करने का एक सिंपल सा तरीक है, कैसे याद करें, देखिए यच ई हीलियम को कैसे कहेंगे हे, ठीक, एन ई को कहेंगे नानी, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, लग रहा है कुछ, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, ठीक। तो ये हो गया इसका ट्रिक, आपको आ गया। चलिए तो अब हम एक चीज आपको बता देना चाहेंगे कि जो ये होता है इसको क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको कहते हैं आवर्त, ठीक है, क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आवर्त का कॉन्फिगरेशन होता है कैसे होता है समझिए, एन एस पी वन, सॉरी ऐसे नहीं होता है, फिर से देखिए तो एक बार, तो देखिए ये होता है आवर्त, क्या होता है, आवर्त होता है, ठीक। और ये जो होता है इसको ऐसे जो होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, मतलब समूह कहते हैं, ठीक है, जो ऐसे ऐसे रहता है ये ऐसे ऐसे उसको समूह कहते हैं यानी ग्रुप कहते हैं, और जो ऐसे ऐसे रहता है उसको आवर्त कहते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम निकालते हैं पहले इसका, ठीक है, तो ये कौन सा आवर्त है, ये सेकेंड का है, ये सेकेंड आवर्त है, आप देख लीजिएगा सारणी में पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो आपको मिलेगा, ये सेकेंड है, ठीक, और ये क्या है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, तो ये होते हैं आवर्त, ठीक है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, ये कौन सा समूह है, समूह कौन सा है, पहला समूह है, ठीक। तो इनका जो कॉन्फिगरेशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए पहले इसका सूत्र होता है एन एस पी एन पी एन एस पी वन, ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहां एन एस पी वन क्यों रखे हम, ठीक, तो जो ये एन है ये आवर्त की संख्या है, ठीक, एस पी और ये वन क्यों है, क्योंकि ये पहला समूह है इसलिए वन हो गया, ठीक, और इसका क्या हो जाएगा एन एस पी टू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पहला समूह है, ये दूसरा समूह है, फिर ये तीसरा समूह है, तो क्या हो जाएगा एन एस पी थ्री, फिर हो जाएगा एन एस पी फोर, ठीक, फिर एन एस पी फाइव, फिर इसका हो जाएगा ये जो 18 इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा एन एस पी सिक्स हो जाएगा ऐसे। चलिए तो अगर हमको निकालना होगा किसी का ऐसे, मान लीजिए इसका निकालना है पहला, हम आपको निकाल के दिखाते हैं, तो इसका कैसे निकालेंगे, देखिए पहले ये कौन सा आवर्त है, सेकेंड आवर्त है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, एन की जगह पे दो लिखेंगे, तो टू, ठीक, एस पी टू एस पी, यहां क्या रहेगा कौन बताएगा, वन रहेगा, क्यों, क्योंकि ये पहला समूह है, ये जो समूह है पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे से ना, लेकिन आवर्त कौन सा है, ये दूसरा है, तो हो जाएगा टू एस पी वन, ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा यहाँ पे टू एस पी टू, क्यों, क्योंकि आवर्त समूह दूसरा है, ठीक, और इसका क्या हो जाएगा टू एस पी थ्री, इसका क्या हो जाएगा टू एस पी फोर, ऐसे हम निकाल सकते हैं सबका, ठीक है। अगर इसका निकालना हो तो क्या हो जाएगा, चलिए हम दिखाते हैं, इसका कौन सा आवर्त है, थर्ड है आवर्त, तो आवर्त क्या हो जाएगा थ्री एस पी, कौन सा है वन, थ्री एस पी वन हो जाएगा, इसका हो जाएगा थ्री एस पी टू हो जाएगा, इसका थ्री एस पी थ्री हो जाएगा, ऐसे ऐसे हम निकाल सकते हैं सबका,
इसका निकाले कैसे हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 यस पी 1, इसका हो जाएगा 5 है तो 5 एस पी 1 ठीक, और इसका क्या हो जाएगा 6 यस पी 1। तो ऐसे ऐसे हम सबका निकाल के दिखा सकते हैं, आप भी निकाल सकते हैं। तो जहां यन है वहां आवर्त की संख्या ठीक, और जो पी 1 के ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा, वो समूह की संख्या। जैसे ये अगर मान लीजिए हमको इसका निकालना है, ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, क्योंकि आवर्त कौन सा पहले देखेंगे, ये है आवर्त, फोर्थ आवर्त है, तो यहां हो जाएगा 4 यस पी। अब 1 लगेगा कि 2 लगेगा 3 लगेगा ये नहीं पता है, तो हम समूह देखेंगे, ये पहला समूह है तो ये दूसरे समूह में आ रहा है तो यहां हो जाएगा 2। तो इस प्रकार हम इसको कर लेंगे ठीक है, बाकी सब आप अपने से कर लीजिएगा। और एक चीज बता दें हम आपको कि इसका एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे आप, अगर आपको एटॉमिक नंबर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है और नहीं याद है तो निकालेंगे कैसे, बात याद आती है दिमाग में ठीक। तो देखिए आपको पहले नॉर्मल सामान्य रूप से जो याद है पहले का, जो कक्षा 10 11 पढ़े गए हैं पढ़ाए गए आपको, तो वो ऐसे निकालते थे, क्या होता था पहले में 2 होता है, फिर 8 होता है 2 8 ठीक 2 8 8, फिर 18 18 होता है, फिर 32 32 होता है, ऐसे होता है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखिए, अच्छा अगर हम इसमें इसका कितना है हीलियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही आता है तो 2 होता है, 2 और 8 जोड़ेंगे तो कितना, देखिए इसमें इसका 2 होता है, 2 में ये जोड़ेंगे 8 तो इसका आ जाएगा 10, आएगा कि नहीं। अब इसका जोड़ेंगे 10 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 18 आएगा, फिर 18 में 8 ये 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्रिप्टॉन का 36 होता है। अब इसमें जोड़ेंगे 36 प्लस 18 तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा ठीक है। तो ऐसे निकाल सकते हैं, अगर आप 54 में अब जोड़ेंगे 32, क्या जोड़ेंगे 32, अगर इसमें जोड़ेंगे तो इसका निकल जाएगा ठीक है, इसका जो भी आएगा आप करके देख लीजिएगा, अगर जोड़ लीजिए चलिए 54 में अगर हम 34 जोड़ लेते हैं 32 जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा 6 8, तो आएगा इसका कितना, कितना आएगा 86 आएगा ठीक है। अब हम इसके अगला एलिमेंट जो भी तत्व होता है किसका, यहाँ पे अगर कोई भी तत्व आ रहा है ठीक है, जो भी आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, फिर यहां पे जो आएगा तो इसका हो जाएगा जो भी आएगा ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका निकाल सकते हैं एटॉमिक नंबर ठीक है। तो एक चीज और देखिए आप कि अगर आप एटॉमिक नंबर इधर निकाल लें, अगर आपको बाय द वे मान लीजिए इसका निकालना है, किसका, इसका निकालना है या फिर किसी का भी निकालना है, तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं इसकी सहायता से। कैसे, ये पहले आपको इतना याद होना चाहिए कि कितना होता है पहले का ठीक। अब देखिए सिर्फ बी इसका बोरान का निकालना है ठीक है, बोरान का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि बोरान का परमाणु क्रमांक होता क्या है ठीक है, क्या होता है परमाणु क्रमांक बोरान का, उसमें 8 जोड़ेंगे फिर ऐसे से जोड़ के हम उसका निकाल लेंगे इसी तरीके से ठीक है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताएं जरूर, ताकि हम इसमें जो इस पी ब्लॉक के तत्व में हमको जो यौगिक पढ़ना है, जो तत्व पढ़ना है, हम उस चीज को अब प्रोसीड कर सके। इस वीडियो में हमने खाली आपको पी ब्लॉक के तत्व के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दिया कि पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं, उसके कैसे हम वो कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, ये हम इसमें आपको बता दिए हैं ठीक। अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ जो हमको यौगिक पढ़ना है उसको हम स्टार्ट करेंगे ठीक है। चलिए तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा ठीक है। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।